हाँ, जिला परिषद फतेहाबाद की विशेष मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विभिन्न मुद्दे रखे गए थे और उन पर विस्तार से चर्चा हुई और सर्वसम्मति से विभिन्न मुद्दों को पास भी किया गया, जिसमें मुख्यतः जो ग्रांट सरकार से प्राप्त हुई थी और कुछ ग्रांट पहले की पड़ी थी जिसको सभी मेंबरों में समान वितरण जिसका किया गया और मेंबरों को ये अनुरोध किया कि आप अपने जो वर्क प्रपोजल हैं एक सप्ताह के अंदर अंदर दे दें ताकि उनको पास करवा के कार्य शुरू करवाया जा सके। कितनी ग्रांट आई है सर और पीछे कितनी पेंडिंग थी? लगभग 3 करोड़ के करीब पिछली पेंडिंग थी और 3 करोड़ की ग्रांट अब आई है, तो टोटल मिला के हमने लगभग 6 करोड़ की ग्रांट का वितरण पीछे भी 8 लाख रुपए देने की बात की जी, वो मिला के ही है इसमें। तो कितने विकास कार्य सर पेंडिंग है और अब आज कितने नई पास किए गए हैं? देखिए, पहले कुछ ग्रांट दी गई थी 75% राशि जिसमें जारी की गई थी, उनका भी जो संबंधित BDOs को हमने अनुरोध किया है कि ये जो इनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है वो भिजवाएं ताकि उसका 25% राशि भी जारी की जा सके। तो कुल मिला के आज यही सभी मेंबरों ने भी इस पर सहमति दी कि सभी विकास कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं और यही हमारा भी पक्ष है और तुरंत इनको शुरू करवाएंगे। जिस तरह आगे अब कुछ समय रहे सर, आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, अचानकता लग जाएगी जी, तो क्या कोई समय निर्धारित किया गया विकास कार्य समय तक? नहीं, हमने एक सप्ताह का समय दिया है सभी मेंबरों को, उसके बाद SDO साहब को हमने अनुरोध किया कि जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनवा के और ये कार्य शुरू कराएं ताकि आचार संहिता लगने से पहले सभी कार्य ग्राउंड पर स्टार्ट हो जाए।